हेलो स्टूडेंट्स आई एम गुरविंदर कौर योर फैकल्टी फॉर द पीसीएस एंड योर मेंटर राइट तो स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टूडेंट हम यहाँ पे बात करेंगे हमारे पीसीएस सेशन जो हमारे पीवाईक्यू के सेशन चल रहे हैं तो स्टूडेंट ये हमारा लास्ट सेशन है फॉर द पीवाईक्यू ठीक है बहुत ही यू you नो know, बहुत ही हमने इलेबोरेटिव फॉर्म में हमने डिस्कशन किए सारे के सारे पेपर और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यू you नो know, इससे बहुत सारा बेनिफिट्स भी उठाया ठीक है एंड थैंक यू ठीक है सबसे पहले तो यही है कि आपने इतना सारा सपोर्ट किया ठीक है और कुछ बच्चों को तो मैंने देखा कि उन्होंने रेगुलर वे में क्लासेस लगाई ठीक है मेरे सेशंस को अटेम्प्ट किया एंड आफ्टर दैट उनको ये समझ में आया कि हाँ जी जो एग्ज़ाम है एक्चुअल में उसकी डिमांड क्या है ठीक है ओके तो ये हमारा लास्ट सेशन ही रहेगा ऑलमोस्ट ठीक है ओके तो स्टूडेंट्स ठीक है तो बात करते हैं हमारे सेशन की लास्ट टाइम हमने स्टूडेंट्स यहाँ पे आ, हाँ ये हमने कर लिया था नाइन्टी नंबर क्वेश्चन नाइनटी नंबर क्वेश्चन पे आते हैं ये काफी ज्यादा उस टाइम पे स्टूडेंट न्यूज में था ठीक है न्यूज में था मेडिकल टर्मिनेशन बिल आया था 2020 बिल पे एग्जामिनर ने बड़े क्वेश्चन पुट किए ठीक है थीके? तो उसी से रिलेटेड हम बात करते हैं स्टूडेंट बिल के ऊपर बात करते हैं ठीक है जी तो ठीक है पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं कहता था मेडिकल टर्मिनेशन बिल मेडिकल टर्मिनेशन बिल प्रेगनेंसी बिल ठीक है मेडिकल टर्मिनेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स की जब आप क्या करते हो अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करते हो मान लीजिए कोई अनमेरिड गर्ल है कोई रेपिस्ट है ठीक है कोई लड़की के साथ रेप हुआ है ठीक है या फिर जो फीमेल है उसकी मेडिकल हेल्थ जो है वो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है मतलब कि उसका एक एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है जो उसके अंदर बेबी ग्रो कर रहा है या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि जो बेबी अंदर ग्रो कर रहा है डेवलप हो रहा है उसके अंदर एक ऐसी एबनॉर्मेलिटी है कि जब वो बर्थ होगा उसका तो वो जो डिफेक्ट है वो उसको सर्वाइव सर्वाइव करने में बिल्कुल भी क्या नहीं करेगा हेल्प नहीं करेगा वो डिफेक्ट ऐसा है ऐसा परमानेंट डिफेक्ट है कि अगर उसका बर्थ हो भी गया तो भी जो लाइफ है उसकी बहुत ही मेजरेबल हो जाएगी ठीक है कई बार आपने देखा होगा कि ऐसे चाइल्ड हो जाते हैं ऐसे बेबी का बर्थ हो जाता है जिसको कंटिन्यू आपको मेडिकल असिस्टेंस में रखना पड़ता है ठीक है ऐसी उनको कोई रेयर डिजीज होती है कोई जेनेटिकल डिजीज होती है सो दैट्स वाई इस कंडीशन में होता क्या है कि आपको अपनी प्रेगनेंसी को क्या करना पड़ता है अबॉट करना पड़ता है मतलब कि आपको टर्मिनेट करना पड़ता है तो so स्टूडेंट्स जो प्रेगनेंसी है वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है यहाँ पे मतलब इतनी कॉम्प्लेक्स सिटी है उसके अंदर कि आपको कंटिन्यू एक मेडिकल असिस्टेंस चाहिए ठीक है अगर आपको उसको टर्मिनेट करनी है तो इतनी आसानी से आप उसको टर्मिनेट नहीं कर सकते ठीक है क्योंकि अगर आप उसको मान लीजिए फाइव सिक्स मंथ हो चुके हैं उसके बाद जब अगर आप टर्मिनेट करने का सोचते हैं या उस टाइम पे पता चलता है आपको ठीक है कोई भी ऐसी डिजीज के बारे में कुछ भी कुछ भी कोई भी केस होता है जो भी मैंने एक्स वाई जेड बताया आपको तो उस केस में क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है ना इथिकल चीजें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती है तो क्योंकि जो बेबी है अंदर जो ग्रो कर चुका है ठीक है वो ट्वेंटी वीक का या ट्वेंटी फोर वीक का जो ग्रो कर चुका है अंदर अब वो पूरा पूरा एक ह्यूमन बॉडी में कन्वर्ट हो चुका है उसके हर एक ऑर्गन बन चुके हैं उसका हार्ट बीट जो है वो आप फील कर सकते हैं ठीक है वो पूरा पूरा ह्यूमन बॉडी में ग्रो कर चुका है तो स्टूडेंट उस टाइम पे ना सिर्फ एक मेडिकल रिस्क होता है उसको टर्मिनेट करने में वहाँ पे इथिकल और मॉरल चीज़ें भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाती हैं क्योंकि आप स्टूडेंट अपने अंदर से एक लाइफ को टर्मिनेट कर रहे ठीक है उसके अंदर एक सेंस है इस टाइम पे वो हर चीज को उसके बाद क्या करना शुरू कर देता है वो सेंस करना शुरू कर देता है सेवन एट नाइन मंथ में वो पूरे तरीके से वो सेंस करना शुरू कर देता है और उसके जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वो भी यहाँ पे काफ़ी हद तक क्या हो चुके होते हैं डेवलप हो चुके होते सो दैट्स वाई स्टूडेंट्स यहाँ पे गवर्नमेंट जो है जो हमारी अन यू नो जो हमारी प्रेगनेंसी टर्मिनेट होती हैं बहुत ही लॉन्ग टाइम में या पहले भी इवन ठीक है जैसे कई बार क्या होता है कि मान लीजिए किसी गर्ल का अनफॉर्चुनेटली रेप हो गया एंड आफ्टर दैट शी विल गेट प्रेगनेंट ठीक है देन फिर क्या होगा स्टूडेंट यहाँ पे जो उसकी प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट किया जाता है क्यों क्योंकि वो बहुत ही छोटी एज में अभी वो खुद ही चाइल्ड है ठीक है तो वो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती तो उस टाइम पे भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके ही उसका यहाँ पे टर्मिनेशन की जाती है ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही बिना परमिशन के आप जो है वो टर्मिनेट कर दोगे तो इससे रिलेटेड स्टूडेंट हमारी जो गवर्नमेंट है वो एक बिल लेकर आई थी जिसको हम मेडिकल टर्मिनेशन बिल कहते हैं 2020 में जिसने वहां पे गवर्नमेंट ने बहुत सारी गाइडलाइंस और रूल्स एंड रेगुलेशंस पास किए थे रिलेटेड टू द मेडिकल टर्मिनेशन ये बात क्लियर हुई आपको यस और नो तो ठीक है समझता हूं कहता था बिल सेटअप स्टेट लेवल मेडिकल बोर्ड टू डिसाइड इफ प्रेगनेंसी मे बी टर्मिनेटेड आफ्टर 24 वीक इन केस ऑफ सस्टेन सबस्टेंशियल फेटल एबनॉर्मेलिटीज जैसे मैंने आपको बताया कि उस फेटल के अंदर कुछ ऐसी एबनॉर्मेलिटीज हैं अगर उसका बर्थ हो भी गया तो भी क्या होगा स्टूडेंट वो सरवाइव नहीं कर पाएगा मान लीजिए उसका हेड नहीं है हेड अच्छे से डेवलप नहीं हुआ अगर आपका ब्रेन ही डेवलप नहीं हुआ वो बच्चा कैसे सरवाइव कर सकता है ये सुर ना ठीक है मान लीजिए उसका कोई ऑर्गन है ऐसा ऑर्गन है जो डेवलप ही नहीं हुआ ठीक है पूरा एक ऐसा क्रिटिकल ऑर्गन जो है वो डेवलप ही नहीं हुआ उसके अंदर सो दैट्स वाई स्टूडेंट ऐसी चीजें द वेल स्पेसिफाइज दैट सर्वाइवर्स ऑफ रेप जैसे जो रेप होता है जहाँ पे विक्टिम ऑफ ट एंड अदर वनरेबल वुमेन ठीक है लाइक डिफरेंटली एबल्ड जैसे मान लीजिए कोई विमेन है ठीक है वो डिफरेंटली एबल्ड है मान लीजिए उसके हाथ नहीं है पैर नहीं है अगर उसमें प्रेगनेंसी हो जाती है तो आप सोचिए कि वो अपने बेबी को किस तरीके से यू नो उसको उसकी देखभाल करेगी उसकी टेक केयर करेगी तो यहाँ माइनर्स जो बहुत ही छोटी है लड़कियां बहुत छोटी जो प्रेगनेंट पे, हो जाती हैं दो डॉक्टर हो मेडिकल टर्मिनेशन करवा सकते हो, कर हो. यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट वो पूछता है यहाँ पे जी तो हांजी तो बताइए आप करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी तो इसकी जो करेक्ट स्टेटमेंट होगी दैट इज वन एंड टू क्या होगी वन एंड टू से थर्ड जो स्टेटमेंट है यहाँ पे स्टूडेंट वो गलत है क्या है थर्ड स्टेटमेंट

ठीक है दैट्स थर्ड स्टेटमेंट पे रॉन्ग हो जाती है और हमारी जो पहली स्टेटमेंट दो है तो बिल्कुल सही है कि जी जो बिल है वो यहाँ पे लेकर आए हैं 2020 जो अमेंड करता है 1971 के बिल को दूसरा द बिल जो है वो स्टेट लेवल पे मेडिकल बोर्ड जो है वो डिसाइड कर सकता है कि हांजी जी 24 वीक तक अगर कोई सब्सटेंशियल फीटल एबनॉर्मेलिटी है तो स्टेट लेवल पे एक बोर्ड सेट होगा मेडिकल का जो डिसाइड करेगा कि जी अगर ट्वेंटी वीक तक एक अगर अगर प्रेगनेंसी है तो उसको हम क्या कर सकते हैं टर्मिनेट कर सकते हैं क्लियर आपको ये बात ठीक है जी तो नाइनटी टू नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन कहता ओडिशा रिसेंटली लॉन्च ड्रिंक फ्रॉम द टैप मिशन सूजल ओडिशा जो है उसने लॉन्च कर दिया है ड्रिंक फ्रॉम द टैप मिशन सूजल टू तो एंश्योर द सप्लाई ऑफ क्वालिटी वाटर टू द पीपल ठीक है आप देखिए स्टूडेंट पीपीएससी ने बाकी स्टेट की करंट अफेयर भी पूछे बट ऐसा नहीं है कि आप सारे स्टेट के बैठ के अब करंट अफेयर पढ़ने बैठ जाओ तो बेवकूफी होगी ऐसी करंट अफेयर स्टूडेंट जो नेशनल लेवल पे भी हाईलाइट होती है कोई जल मिशन है कोई इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी का मिशन है कोई डिजास्टर से रिलेटेड मिशन है स्टूडेंट वो एक नेशनल तरीके से हाईलाइट किया जाता है नेशनल लेवल पे उसको हाईलाइट किया जाता है ठीक है क्योंकि वो बहुत ही क्रिटिकल है तो कहता है कि ये सूजल मिशन है फिर कहता है उड़ीसा ने अचीव कर लिया टारगेट ऑफ 100 परसेंट हाउस होल्ड वाटर सप्लाई कनेक्शन इन 2020 कहता है ट्वेंटी में उड़ीसा ने 100 परसेंट हाउस होल्ड को क्या दे दिया है टैप वाटर का कनेक्शन दे दिया हर घर के अंदर पाइप आती है पानी की ड्रिंकिंग वाटर की जैसे हमारे घरों में सप्लाई होती है ना सुबह सुबह शाम को ठीक है वो ये कह रहे हैं कहता हंड्रेड हर घर में उड़ीसा के हर घर के अंदर क्या है यहाँ पे सप्लाई है किसकी ड्रिंकिंग वाटर की ऐसा वो सेकेंड स्टेटमेंट में कह रहा है

ऑफ़ एवरी स्टेट टू प्रोवाइड एडिकुएट फैसिलिटी फॉर द इंस्ट्रक्शन ऑफ मदर टंग मदर टंग कौन सी होती है जो हमारी माँ बोली होती है जैसे पंजाबी हरियाणवी ठीक है जो यूपी की जो लैंग्वेज है बिहार की जो लैंग्वेज दे आर दे ऑल आर मदर टंग ठीक है जो माँ बोली होती है उसकी बात कर रहे हैं एट द प्राइमरी स्टेज कहता है प्राइमरी स्कूल तक आप जो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो आप यही इंश्योर कीजिए कि उसको आप मदर टंग में वो जो है वो बोली जाए ऐसा क्यों बोल रहा है क्योंकि स्टूडेंट्स मदर टंग के अंदर बच्चा जो है वो जल्दी से क्या कर लेता है उस चीज को कैच कर लेता है हमेशा आप देखिए कि आपको मदर टंग में समझने में ज्यादा आसानी होती है कंपेयर टू इंग्लिश फ्रेंच और जो जो आप बोलते हो ठीक है ओके इसीलिए आईलेट्स नहीं निकलती है बहुत सारे बच्चों से है ना नहीं निकलती है ना बिल्कुल नहीं निकलती है क्यों क्योंकि वो हमारी मदर टंग नहीं है अगर पंजा अगर कैनेडा में इंग्लिश की जगह पे पंजाबी हो जाए ना पूरा इंडिया उडलेगा वहां पे, ठीक है पूरा पंजाब खाली हो जाएगा कल तक क्यों क्योंकि पंजाबी है भाई ठीक है हर पर्सन को पंजाबी बोलनी आती है लिखनी भी आती है ठीक है ओके सो दैट्स वाई मदर टंग के अंदर क्या आता है प्राइमरी स्टेज एजुकेशन में उनको लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप्स जो हैं, उनको वहां पे मदर टंग में क्या दी जाए लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप्स कौन से होते हैं ठीक है लैंग्वेज बेसिस पे जो हमारी माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं जैसे कि पंजाबी उर्दू ये जो लैंग्वेजेस हैं दे ऑल आर इन्वॉल्व इन लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप्स ठीक है are, uh, बहुत बड़े लेवल पे नहीं बोली जाती बहुत ऐसे नहीं है कि बहुत सारे स्टेट के लोग जो हैं इनको बोलते पंजाब सिर्फ पंजाबी पंजाबी पंजाब या आस पास का जो बॉर्डर एरिया वहीं पर बोली जाती है तो कहता है ये कौन से आर्टिकल के अंडर है तो देट इज़ आर्टिकल नंबर थ्री ए तो कौन सा आर्टिकल है आर्टिकल थ्री ठीक है ये आर्टिकल के अंडर स्टूडेंट ये कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है कि जो जो हर एक स्टेज है वो एडुकेट फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा फॉर द इंस्ट्रक्शन इन द मदर टंग एट द प्राइमरी स्टेज ऑफ द एजुकेशन बिलोंगिंग टू द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप जैसे मान लीजिए आप जो है आप एक पंजाबी हो और आपको प्राइमरी स्कूल के अंदर आप किसी और स्टेट में पढ़ते हो तो वहां पे स्टेट गवर्नमेंट की ये ड्यूटी बनती है कि तो उस चाइल्ड को उसकी मदर टंग में क्या प्रोवाइड की जाए प्राइमरी एजुकेशन उसमें प्रोवाइड की जाए सो so वो उसको अच्छे से क्या कर सके समझ सके और ये कहां पे लिखा हुआ है आर्टिकल के अंदर ये चीज मेंशन है ठीक है जी ओके आगे चलते 94 फोर ओके कहता इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछिए इसने यहां पे इनकरेक्ट पहला कहता द हाउसा आर द प्राइमरली पेस्टोरल ट्राइब ऑफ नाइजीरिया फॉर होम कैटल इज अ सिंबल ऑफ वेल्थ दूसरे में कहता है कहता था बिडुबा ठीक है बिडुबी ऑफ ऑस्ट्रेलिया ये दोनों ट्राइबल पीपल है वर्ल्ड ट्राइबल भी आपको पता होने चाहिए वर्ड जो फेमस ट्राइबल ग्रुप्स है ना स्टूडेंट ये भी आपको पता होने चाहिए नॉट ओनली इंडियन इंडियन तो पता होने ही चाहिए मुंडा ट्राइब ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी ट्राइबल हमारे यहाँ पे हैं बट आपको वर्ड लेवल के ऊपर भी आपकी पता होने चाहिए वर्ड ज्योग्राफी एक बुक आती है स्टूडेंट उसमें बहुत अच्छे से मेंशंस हैं हमारी वर्ड ट्राइब्स उसी पे क्वेश्चन है तो क्वेश्चन देख लीजिए आप ध्यान से तो हौसा ट्राइब के बारे में कहता कहता कि प्राइमरीली पेस्टोरल ट्राइब नहीं 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 दीज आर नॉट प्राइमरी पेस्टोरल ट्राइब्स ठीक है सिर्फ पेस्टोरल ट्राइब नहीं पेस्टोरल कौन से होते हैं तो ज्यादातर जो कैटल्स को लेकर अलग अलग जगह पे घूम घूमते रहते हैं बहुत सारे कैटल्स की झुंड लेकर वो घूमते रहते हैं ठीक है यहाँ पे तो कहता है पेस्टोरल ट्राइब फॉर होम कैटल इज अ सिंबल ऑफ वेल्थ हाँ कैटल सिंबल है उनके लिए वेल्थ का बट ऐसा नहीं है कि भाई मतलब वो पेस्टोरल ट्राइब ही है प्राइमरली वो पेस्टोरल है नहीं ये नहीं है ठीक है बीडोबी ऑफ ऑस्ट्रेलिया प्राइमेटिव हर हंटर्स एंड प्रेफर टू स्टे नियर द सोर्स हाँ बिल्कुल सही है ठीक है बहुत ही तकड़े वाले ये ट्रैकर्स होते हैं स्टूडेंट्स बहुत ही तकड़े वाले ये कोई डॉग की ना स्पेसिफिक कोई स्पीसीज होती है उसको वो पालते हैं और जो उसको गाइड करता है ठीक है फॉर द ट्रैकिंग पर्पज ट्रैकिंग करते हैं या हंटिंग के लिए ठीक है दूर दूर तक जाते हैं ये हंटिंग करने के लिए ठीक है पानी की तलाश में और बहुत सारी चीजों की तलाश में ठीक है ओके तो तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया करेक्ट इन द सेंस कि इसने इनकरेक्ट पूछा है ना तो वन ऑप्शन इसका क्या होगा हमारा सही आंसर होगा इनकरेक्ट पूछा उसने ठीक है करेक्ट नहीं पूछा उसने करेक्ट पूछा होता तो सेकंड स्टेटमेंट सही होती फिर ठीक है ध्यान रखा करो इस बात का आगे चलते नाइन्टी फाइव पे वैक्सीन चली थी ना कोविड नाइन्टीन पे ये तो पता ही होगा कौन कौन सी वैक्सीन थी कोवैक्सीन कोविशील्ड आपने भी लगवाई होगी कहता है एज पर द वैक्सीन मैत्री पॉलिसी विच ऑफ द फॉलोविंग कंट्रीज बिकम द फर्स्ट रेसिपियंट ऑफ मेड इन इंडिया कोविड नाइन्टीन वैक्सीन कोविड नाइनटीन की वैक्सीन बनी जो मेड इन इंडिया थी तो कौन सी ऐसी दो कंट्रीज थी जिनको सबसे पहले वैक्सीन मैत्री मैत्री वर्ड का मतलब क्या होता है मित्र है ना हिंदी मित्र ठीक है मित्र प्यारे नो ठीक है कौन सी ऐसी दो कंट्रीज है लवेबल कंट्रीज है तो कौन सी ऐसी दैट इज नेपाल एंड भूटान इन दोनों कंट्रीज को पहले नंबर पे क्या दिया गया वैक्सीन दी गई कोविड नाइनटीन की क्लियर है जी तो 96 पढ़ते हैं कहता है रिसेंटली जल्दी काटू पता है ना आपको बहुत न्यूज में रहता है बच्चे बहुत ही ज्यादा जल्दी काटू क्या है कुछ नहीं है एक ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल स्टूडेंट एक प्ले है स्टूडेंट ठीक है जिसमें केरला के अंदर ये बहुत फेमस है केरला तमिलनाडु वाली साइड ठीक है जिसमें वो क्या करते हैं यहाँ पे रेस लगवाते हैं बुल रेस लगवाते हैं ठीक है ठीके? बुल होता है ना बुल के ऊपर क्या होता है ना सिक्के लगे होते हैं गोल्ड के ठीक है बुल भागता है पानी के अंदर ठीक है मड 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 वाटर होता है उसमें वो भागते हैं ठीक और उसके साथ रेस लगाते हैं होता क्या है ना यहाँ पे ह्यूमन लाइफ का बहुत बड़ा रिस्क रहता है क्योंकि तो एनिमल है एनिमल है वो तो इधर उधर जाएगा ना तो कई बार क्या होता है एनिमल के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कॉन्फ्लिक्ट इन द सेंस की उनके पैरों के नीचे आ जाते हैं कई बार बहुत ही सीरियस तरीके की चोट लगती है और हुआ क्या था एक बार सुप्रीम कोर्ट ने इस ट्रेडिशनल सपोर्ट को क्या कर दिया था बैन भी कर दिया था जिसको लेकर 2020 में काफी हंगामा रहा था ज, जली काटू को लेकर इसलिए यू नो एग्जामिनर ने पूछ लिया जली काटू के ऊपर क्योंकि स्टेट में यहाँ पे हाई कोर्ट ने भी काफी कुछ बोला था और कोर्ट ने काफी अच्छी खासी स्टेटमेंट दी थी यहाँ पे अच्छा रिसेंटली अगेन इन कॉन्ट्रोवर्सी जली काटू इज द बुल टेमिंग ट्रेडिशनल स्पोर्ट ऑफ विच इंडियन स्टेट इंडियन स्टेट पे पूछ रहा है वो कौन से स्टेट का ये है तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा तमिलनाडु ठीक है दो स्टेट्स में ज्यादा ये खेला जाता है तमिलनाडु का तो ये है ही है केरला में भी इसको खेला जाता है ठीक है बट हाँ तमिलनाडु में ये बहुत ज्यादा फेमस है तो क्या होता है बुल होता है उसके साथ रेस लगाते हैं ठीक है अलग अलग बंदे बुल्स लेकर आते हैं अपना अपना उनको तैयार करते हैं खिला पिला के बढ़िया और फिर उसको मड वाटर में भगाते हैं ठीक है जो सबसे तेज भागता है ठीक है और उसके ऊपर सोने के इवन सिक्के वगैरह भी लगा देते हैं वो फिर उसको क्या करते हैं उखाड़ते हैं ठीक है बुल भाग रहे आपको क्या करना उसके ऊपर से सिक्के निकालने ठीक है जो उसकी बॉडी के ऊपर चिपकी हुई है ठीक है ऐसा सा कुछ है ये जल्दी काटो करके ठीक है ओके ओके तो फिर आगे चलते नाइनटी सेवन पे ठीक है क्या था विच अमंग नेशंस ओइंग इट्स स्टडी इकोनॉमिक ग्रोथ हैज रिसेंटली ग्रेजुएटेड फ्रॉम द यूएन ऑफिशियल लिस्ट ऑफ लीस्ट डेवलप्ड कंट्री ठीक है थीके? थीके? तो ये पूछा उसने 97 का जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट दैट इज अवर विनाउंती विनाउंती एक ऐसा कंट्री है स्टूडेंट जो अभी अभी ग्रेजुएट हुए ठीक है विच अमंग द फॉलोइंग ओइंग इट्स स्टडी इकोनॉमिक ग्रोथ काफी इकोनॉमिक ग्रोथ इसमें है मतलब कंटिन्यूसली ये इकोनॉमिक ग्रोथ में आ रहा है एज रिसेंटली ग्रेजुएटेड फ्रॉम दू एस ऑफिशियल लिस्ट ऑफ लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज ठीक है तो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री में उसका नाम आ चुका है दो तरीके कंट्रीज होती है ना कौन कौन सी एक डेवलपिंग कंट्रीज और एक डेवलप्ड कंट्री इंडिया कौन सी है भाई डेवलपिंग डेवलपिंग कंट्री 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 है country? Country है 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 डेवलप्ड ठीक इंडिया जो वो क्या है डेवलपिंग कंट्री है नॉट अ डेवलप्ड कंट्री ठीक है इंडिया डेवलपिंग कंट्री ओके स्टूडेंट नाइन एट पढ़ते हैं फिर क्या था विच इज द नॉट ए फॉरन बैंक था फॉरन बैंक नहीं है ठीक है ये बताना है आपको कौन सा फॉरन बैंक नहीं है तो कौन सा नहीं है इसमें से सिटी बैंक फॉरन है यस yes. सेंट्रल चैटेर्ड बैंक बिल्कुल HSBC बिल्कुल फेडरल बैंक जो है स्टूडेंट दैट इज नॉट अ अ दैट इज नॉट ए फॉरेन बैंक क्लियर है यस और नो ठीक है जी तो क्लियर है तो 99 पे चलते हैं हां जी 99 पढ़ो कहता इन व्यू ऑफ रिसेंट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कंसीडर द फीचर्स ऑफ कोस्टल रेगुलेशन ज़ोन्स इन इंडिया एज़ पर द सीआरजेड नोटिफिकेशन कोस्टल रेगुलेशन जोन है जो है इंडिया के एज पर दी आर जेड नोटिफिकेशन कौन कौन से हैं बता दो सी आर जेड वन में क्या आता है सी आर जेड टू में क्या आता है ठीक है यहाँ पे उन्होंने बताया है कोस्टल रेगुलेशन जोन ठीक है जी कोस्टल रेगुलेशन जोन पे पूछा है उसने तो बता दीजिए फटाफट से ठीक है तीन है आपके पास बताओ भाई ठीक है 99 नाइन नंबर क्वेश्चन में फटाफट से आंसर दे दो ऐसे एक मिनट में भागा भागी आंसर दे दो ठीक है तो देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ना स्टूडेंट वो है हमारा सी ठीक है कैसे सी है देखो सी देखो कौन कौन सा है हमारा वन एंड थ्री तो देखो सी आर जेड में क्या आता है एक्सप्लोरेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल गैस इज परमिटिव सिलेक्टिवली हाँ आप कोस्टल रीजन के कुछ सेलेक्टिव पार्ट जो है हमारे जैसे कृष्णा गोदावरी का जो पार्ट है यहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो फॉर द नेचुरल गैस ठीक है ऐसा नहीं है कहीं पे भी आप लग जाओ शुरू हो जाओगे आप कहीं पे भी नेचुरल गैस निकालें नहीं ऐसा नहीं कर सकते अच्छा थर्ड सेकेंड में कहता है सीआर जेड टू अनऑथोराइज स्ट्रक्चर आर अलाउड टू बी कंस्ट्रक्टेड इन दिस जोन नहीं 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 अनऑथोराइज कैसे कर सकते हो आप ये थोड़े कोस्टल रीजन पे जाके आपने यहाँ पे अपना विला बना लिया बिलो भाई यहाँ पे मैं विला बनाऊंगा मैं इसके अंदर जाके विला बनाऊंगा है ना ऐसा नहीं कर सकते आप ठीक है थर्ड में कहता है सीआरजेड जो ठीक जो है थोड़ी बनाने बैठोगे वहां पे ठीक है ओके तो हंड्रेड नंबर क्वेश्चन पढ़िए लास्ट क्वेश्चन ठीक है जी इसके बाद तो फिर हम कुछ और ही शुरू करेंगे तो बताइए फिर

वो होते हैं बीटल्स ठीक है ऐसे से कुछ करके शेप तो मैंने बड़ी अच्छी बनाई है ना स्ट्रक्चर ड्रॉइंग अच्छी है तो स्टारफिश और जो ऑयस्टर जो है, है बहुत ही मतलब यू you नो know, डीप जो हमारा सी ना स्टूडेंट वहां पे रहते हैं कौन कौन से हमारा स्टारफिश ऑयस्टर्स वहां से हमें मिलते हैं ठीक है स्टारफिश देखिए अपने ठीक है ऐसी सी होती है बहुत ही ब्यूटीफुल होती है बट बड़ी खतरनाक होती है ऐसी नहीं होती ठीक है कहीं सोचो भी बहुत ही ब्यूटीफुल सी है तो चलते हैं उसके पास ऐसा भी नहीं होता है ठीक है देखने को सुंदर है ऑयस्टर्स जहां से हम मोती निकालते हैं ठीक है तो ये सब क्या है बायोटिक कम्युनिटी है स्टूडेंट ठीक है ओके बीटल नहीं बीटल तो हमें हमारे उस पर मिलते ठीक है ग्राउंड पे मिलते हैं क्लियर आपको यस और नो ठीक है तो स्टूडेंट इसी के साथ हमारा ट्वेंटी ट्वेंटी का पेपर भी होता है ओवर ठीक है अब मिल लेंगे कुछ नए अंदाज में ठीक है कुछ नया स्टार्ट करेंगे हम इसके बाद ठीक है जी ओके ठीक है स्टूडेंट तो तब तक आप पढ़ते रहिए ठीक है, है? तैयारी करते रहना है आपको ठीक है आपको पता होना चाहिए आप किस कैसे प्लेटफॉर्म के साथ आप जुड़े हुए अभी मन आई एस नंबर वन इंस्टीट्यूट है इन दिस ट्राई सिटी ठीक है एंड ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट है सिंस 1999 में ये एस्टेब्लिश हुआ था स्टूडेंट सो so, इस साल इवन हमारा 25 फाइव ईयर भी कंप्लीट हो चुके हैं ठीक है ओके okay. तो स्टूडेंट आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए ठीक है, है इसी तरीके से बने रहना है ठीक है और अपनी तैयारी जोरों शोरों से करते रहना जरूरी नहीं है पीसीएस की मैं बात करती हूँ यहाँ पे ओवरऑल ओवरऑल आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं ठीक है ये आपको हेल्प करेगा उस पेपर पर पे भी पंजाब अलाइड की तैयारी कीजिए नैब तहसीलदार की कीजिए पटवारी तो की कीजिए की इंस्पेक्टर बनी है जो मर्जी आपका मन करता है वो पेपर फोड़ दीजिए ठीक है जी ओके ओके तो स्टूडेंट इसी के साथ हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा थैंक यू हैव अ नाइस डे